हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सुपर माही। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे आपके बालों को ग्रो कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। मेरे बाल भी पहले कंधे तक आते थे, बहुत छोटे थे, तो मैंने अपने बालों को कैसे उनकी देखभाल की, कैसे उन्हें लंबा किया, तो आज मैं आपके साथ पूरा शेयर करने वाली हूँ। और आपको सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए, कुछ नहीं, आपको एलोवेरा चाहिए जो कि आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आपके घर में, आसपास नर्सरी में, या हो सकता है कि आप लॉन्ग हेयर लवर हो तो आपने घर में भी कहीं ना कहीं इस पेड़ को उगाया होगा। इस पेड़ की एक लीफ आपको लेना है, दिन इसे अच्छे से वॉश कर लेना है साफ पानी में। इसके बाद हम इसे कट करेंगे और कट करने के बाद दोनों साइड के कांटों को निकालेंगे। ध्यान दें ये आपके हाथ को हार्म नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत तीखे कांटे होते हैं इसमें। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि आपके गंजे सिर पर बाल उगाने की कैपेसिटी रखता है, और सत्य आपकी फैमिली में या आपको हेयर लॉस जेनेटिक डिजीज ना हुई हो, क्योंकि एलोवेरा में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। इसके साथ ही साथ इसमें फोलिक एसिड और विटामिन B12 भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हेयर फॉल कंट्रोल करता है, देन हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। एलोवेरा की लीफ को छोटे छोटे पीसेस में कट करें, देन इसके बाद पीस को बीच में से कट करें, ताकि जो एलोवेरा की लीफ में से निकलने वाला जेल है वो इजीली निकल पाए। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे आपको स्केल्प पे मसाज करते हुए पीसेस को लगाना है, जेल को लगाना है अपनी स्केल्प में, क्योंकि जिस टाइम मैंने एलोवेरा लगाना स्टार्ट किया था उस टाइम मेरे पास ग्राइंडर नहीं थी, तो मैं ऐसे ही एलोवेरा को यूज़ करती थी। तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि मैं हेयर वॉश करने से एक घंटे पहले अपने स्केल्प में अच्छी तरीके से एलोवेरा लगाती थी, इसके बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेती थी, और इसी तरह ये मेरा रेगुलर रूटीन बन गया। और फिर देखते ही देखते मेरे हेयर ग्रो होते गए और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी आने लगा। मुझे लगा कि हाँ, कुछ बेनिफिट्स हो रहा है, तो मैं इसे यूज़ करती रही। देन साल भर बाद मेरे हेयर में बहुत बेनिफिट्स हुआ, हेयर फॉल कंट्रोल हुए, हेयर ग्रोथ हुई, तो इसलिए सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। एलोवेरा ना केवल आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, बल्कि जो आपके बाल डैमेज हो चुके हैं, दो मुँहे बालों को होने से रोकता है। दो मुँहे बाल जो हो चुके हैं उन्हें मैं नहीं बोलूँगी कि उन्हें ये एक कर देगा, पर हाँ, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करती हैं, अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल करती हैं, तो जो बाल अच्छे हैं उन बालों को दो मुँहे होने से रोकता है। जिन लोगों को स्केल्प में इचिंग की प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट अपने स्केल्प पर एलोवेरा यूज़ ना करें, वो दही के साथ मिक्स करके अपने स्केल्प में लगा सकती हैं एज ए हेयर पैक, हेयर मास्क। और वो रेमेडी भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, मेरे मोर अपडेट्स पाने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्कैल्प और लेंथ में अच्छी तरह से एलोवेरा लगाने के 10 मिनट बाद में हेयर ऑयलिंग करूँगी, देन एक घंटा रखूँगी, इसके बाद में हेयर वॉश करूँगी। आप भी आपके अकॉर्डिंग रख सकती हैं, ओवरनाइट रख सकती हैं, एक या दो घंटे भी रख सकती हैं। मैं एक घंटे रखूँगी और हेयर वॉश करूँगी। एक ही बार यूज़ करने से बाल बढ़ जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ, एक बार यूज़ करने से अगर आपके बाल 20 झड़ रहे हैं, तो आपके बाल 15 झड़ेंगे, 10 झड़ेंगे। हेयर फॉल कंट्रोल होगा ही होगा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।